हरे कृष्णा हरि बोल सो वेलकम टू आवर चैनल वृंदावन कुंज गली। सो गाइस आज हम हैं यमुना तट पे, युगल घाट पे। आप देख रहे हो कि जहाँ ये बोट खड़ी हैं, ये एक बोट के एक्स्ट्रा दो तीन बोट आगे लगा लो, इतना नीचे जल स्तर होता था। लेकिन आज जब मैं गया यमुना जी दर्शन करने, तो यमुना जी पे जल स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि जो आपको टेम्पल यमुना जी का अभी मैंने दिखाया था, छोटा सा मंदिर यमुना महारानी का है, जहाँ पर हर शाम यहाँ आरती होती है। ये जो लकड़ी के वो बने हुए हैं जाली सा, ये यमुना जी का मंदिर है जहाँ पे आरती होती है। और इससे आगे भी पानी चला गया था, मतलब बारिश के मौसम के कारण इतना ज़्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ है। देखो मैंने जूम भी करके दिखाया, ये आगे तक जब पानी गया हुआ है, जो यमुना परिक्रमा मार्ग है वो वहाँ तक पानी टच कर गया है। और जबकि परिक्रमा मार्ग से कम ये मान के चलिए 200 मीटर दूरी पर रहता था। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जगह प्लेन थी एकदम मट्टी वाला, और यहाँ पूरा पानी आ गया जल स्तर। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे ये भैंस खड़ी, यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते थे। और आज यहाँ पे पानी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि यमुना जी बहुत बहाव, बहुत पानी आया हुआ है। अब मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊँगा, दर्शन कराऊंगा यमुना महारानी के। आप इधर से भी देखिए, बिल्कुल किनारे से टच करके इन्होंने अपनी नाव खड़ी करी हुई है। तो दूर तक आप देखिए पूरा यमुना महारानी जी का कितना भव्य विशाल रूप हो रहा है कि इस वक्त यमुना जी अपने बड़े स्तर पर है। हालांकि आज जब मैं गया, जब मैंने एक नाव वाले से बात किया, तो उसने बताया आज तो फिर भी कम हो गया है, लेकिन कल ये स्तर मंदिर को पार कर रहा था जल स्तर। तो आप सबसे अनुरोध है, अगर आप यमुना महारानी में दर्शन करने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं अपने परिवार संघ के साथ हैं, तो कृपया सावधानी बरतिएगा और सावधानी से नहाइएगा वहाँ पे, तो क्योंकि पानी स्तर बहुत ज़्यादा है। ये सामने की नौका आप देख रहे हैं, इस नौका में श्री कन्हैया यानी कि हमारे नंद लाला को घुमाने का प्रबंध हो रहा है। यहाँ पे बड़ी सुंदर सा ये उनका पहले तो विराजमान बना रहे हैं, मतलब बैठने की व्यवस्था बना रहे हैं लड्डू गोपाल की। उनकी सीट को सजाया जा रहा है फूलों से, और फूल भी मोगरे वाले हैं। तो यहाँ पे है बैठा के ठाकुर जी को, ये फिर पूरी यमुना महारानी जी की सैर कराएंगे। यमुना महारानी जी तो ठाकुर जी की पटरानी हैं, तो ये अपनी पटरानी से मिलने जाएंगे। तो बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे, लेकिन जब मैं आज आया तो मतलब जल स्तर देख के थोड़ा सा डर गया था, लेकिन कुछ नहीं। आप जब भी आएँ अपने परिवार के साथ तो सावधानी बरतिए, क्योंकि इस सीज़न में पानी स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे मैंने नाव में बैठ के भी ये दिखाया है आपको, ये देख रहे हैं कितना भाव भी काफ़ी अच्छा है और जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो देखने में बड़ा आनंदित होता है, बड़ा आनंद लगता है। और सारा जो, क्योंकि हमें याद है कि जनरली हम जब यमुना जी नहाने जाते हैं तो जो जहाँ पे ये नाव खड़ी हैं, एक नाव के आगे दो तीन नाव और लंबी खड़ी कर दो आप, इतना नीचे जाके हम लोग मतलब कि नहाते थे। दो तीन नाव से भी ज़्यादा मान लो आप। ये कन्हैया जी की सीट हमने आपको पास से दिखा दी है, जहाँ बैठा के उनको पूरे यमुना जी महारानी में दर्शन घुमाया जाएगा। और शाम का समय है, आरती का समय होने वाला है, और प्रभु के दर्शन भी बड़े अच्छे से हो गए, यमुना महारानी के दर्शन भी अच्छे से हो गए। वृंदावन में रहने का यही तो फ़ायदा है कि वृंदावन में रहकर बिल्कुल आपको ये फीलिंग आती है कि एक अद्भुत फीलिंग है जिसको हम अपने मुख से बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जो लोग वृंदावन में नहीं रहते हैं, उनके लिए वृंदावन नाम का स्मरण करना ही, आप देख रहे हैं ये सामने डस्टबिन लगा हुआ है, ये डस्टबिन लगा हुआ है, इसमें हम कूड़ा डालते थे जब नहाने जाते थे, और इसको भी ये पार कर गई है यमुना महारानी। तो मतलब कि स्तर बहुत बढ़ चुका है। तो मैं आपसे बोल रहा था कि जैसे कि हम लोग वृंदावन में रहते हैं तो बहुत ही आनंद आता है, जो लोग वृंदावन में नहीं रहते हैं वो लोग तो बहुत ही तरसते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ आजकल वृंदावन धाम में दर्शन करने आ रहे हैं और यमुना महारानी की तरफ जो आते हैं, कृपया अपने सावधानी ज़रूर बरतें। परिवार बुज़ुर्गों को छोटे बच्चों को यमुना जी में स्नान जरूर कराएं, लेकिन सावधानी से कराएं क्योंकि स्तर काफ़ी बड़ा हुआ है। ये जानकारी हमने इसलिए अपने चैनल के माध्यम से इसलिए दिया है ताकि आपको ये पहले से ही मालूम हो जाए। हालांकि बारिश अगर कम रहेगी तो ये जल स्तर डाउन होता चला जाएगा, क्योंकि एक दिन में ये स्तर बहुत डाउन हो गया। अब ये मंदिर देख रहे हैं आप, छोटा सा मंदिर है जहाँ पर शाम को आरती होती है। इस मंदिर को, ये जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं ना, इनोवा खड़ी है, वहाँ तक पानी चला गया था। मैंने पुजारी से पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ तक कल पानी था, लेकिन आज पानी कम हो गया है। फिर भी ये हमारी कोशिश यही है कि आप जब भी आएँ तो सावधानी से रहें। तो दर्शन करके आपको अच्छा लगा होगा,
तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलो जय मैया यमुना महारानी की जय। श्री राधे।